सुप्रभात। आज आप लोगों को चैप्टर मेरठ है, जिसमें बताया गया है और मेरठ को अंग्रेजी में सिलेंडर कहते हैं। मेरठ का बहुत सा आप लोग का एग्जाम्पल है। आप दिन रात जो है ये गैस भर रहे हैं, वो सिलेंडर आपका है, या पाइप वगैरह है लगातार, या लोअर का चक्का देख रहे हैं, तो सब जो है बेलन का रूप है। और बेलन में ऊंचाई होता है, उस बेज कहते हैं, त्रिज्या को आर कहते हैं। और बेलन पर कुछ है प्रमुख सूत्र है, यदि इसको आप याद करेंगे और मान उठाएंगे तो करीब करीब सब गणित इस चैप्टर का बन जाएगा। तो पहला सूत्र है बेलन का वक्र क्षेत्र, अंग्रेजी में कहते हैं कर्वेड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, संक्षिप्त रूप है CSA। सी का मतलब हो गया कर्वेड, एस का सरफेस, आई एम एस ए इक्वल होता है 2πr into h। पाई का जो मान हम करते हैं, आप लोग छठा क्लास में पढ़ रहे हैं, पाई का मान जो होता है वह हाँ, तो हम लोग कह रहे थे कर्वेड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो है इसका संक्षिप्त रूप है CSA। ए बड़ा होता है 2πr into h, जहाँ पाई का मान जो है पाई बड़ा 7 है, आर त्रिज्या है और एच जो है वह ऊंचाई। इस प्रकार से बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, शॉर्ट में कहते हैं PSA बराबर होता है 2πr into r + h। तीसरा फॉर्मूला बेलन का है, बेलन का आयतन बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h। तो इस प्रकार से तीन सूत्र हैं, तीन सूत्र याद करेंगे और क्वेश्चन में आपका समेत RH दिया रहेगा या आयतन दिया रहेगा, ऊंचाई दिया रहेगा, तो आप निकालना होगा। तो सूत्र बैठा करके आप जो है हर एक मैथ बना सकते हैं। मैं आपको एक मैथ बना दिया हूँ, किसी बेलन की त्रिज्या 7 cm है, ऊंचाई 12 cm है, तब है दो निकालना है, वक्रीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात। तो हम ऊपर लिखे फॉर्मूला, बेलन का वक्रीय क्षेत्रफल जो होता है वह 2πr² होता है। अब यहाँ देखेंगे प्रश्न में कि 2 तो सूत्र में है, पाई का मान फिक्स्ड है बाय बड़े 7, आर जो है वह 7 है, ऊंचाई 20 है, 7 cm कटेगा आपका। यदि मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा 888 cm का। इसी प्रकार से बेलन का आयतन, बेलन का आयतन जो होता है और πr² होता है। पाई आप देखिए पाई का मान बाय 7 है, r² है 7 cm हो गया, h का मान 20 है, 7 cm कट गया आपका। तो गुणा करेंगे ए जो है 30 f0 cm³ होगा। उसके बाद जो है जब व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है आपको, इस व्हाट्सएप पर आप होमवर्क बनाइएगा। अब आप लोग एक्सरसाइज में बेलन का चैप्टर है वह है कम से कम 1 से 10 तक बनाइए, और बना करके ये आपका व्हाट्सएप नंबर मोबाइल में दिया गया है इस पर जो है भेजिए, जिससे देखा जा सके कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं, आपका पढ़ने का या बना जो रहे हैं वो मुआयना किया जा सके।